तो हम लोग आज सीखने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है ना। तो ये जो आपका एनसीईआरटी बुक में है प्रमेय 6.2 है, प्रमेय 6.1 है वह थेल्स प्रमेय है, और प्रमेय 6.2 थ्योरम जो है वह थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो आज के क्लास में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं थेल्स का विलोम एकदम बेहतरीन अंदाज में, ठीक है ना। यकीन मानिए 110% आपको समझ में आ जाएगा, इस पे और वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, उसको पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे अर्थात समानुपाती हो, ठीक है ना, तो वह बोले तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आइए इसको पहले थ्योरम का स्टेटमेंट को समझिए। कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज के अगर दो भुजा, मान लीजिए ये त्रिभुज एबीसी है, इसके दो भुजा एबी और ये बीसी दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करे, कहने का मतलब ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी के, यहां तक करे तक जो है ये दिया हुआ है, ये क्या है दिया हुआ है जो हम इसमें लिखेंगे, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। तो कहता सिद्ध करे कि रेखा जो है ना डी ई त्रिभुज की तीसरी भुजा, यानी ये बी सी जो है त्रिभुज की तीसरी भुजा है, इसके क्या होगी यह समांतर होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। चलिए तो इसको बनाने का सबसे पहले आसान तरीके इन चार चीज पे काम करना है, एक तो दिया है, एक क्या सिद्ध करना है, इसमें एक रचना यानी अलग से जब कुछ करते हो वो रचना कहलाता है, और रचना के बाद रचना करने से कोई नया चीज की उत्पत्ति होता है। बस इन चार चीज के हेल्प से बहुत इजी से थ्योरम को हम लोग सिद्ध कर देंगे। तो आइए सबसे पहले क्या लिखा दिया हुआ है, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है कि ए डी बाय डी बी, ए बी बटे डी बी या बराबर है ए ई बटे ई सी के। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों भुजा जो है यानी ए बी और बी सी एक ही अनुपात में है, देखिए दोनों का अनुपात क्या कर दिए बराबर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी डी ई समांतर बी सी, इसमें सिद्ध करना है हम लोगों को कि डी ई समांतर बी सी, यानी ये और ये क्या है समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ेगा, तो रचना क्या है ध्यान से देखिएगा, रचना क्या करेंगे, ये बिंदु जो D है यहां से जो हम एक अलग रेखा की रचना करेंगे और इसका नाम रख देंगे E डैश, क्या नाम रखेंगे E डैश, यहां से D से एक रचना किए E डैश, इसमें लिख देंगे आराम से जो किए वो लिख देना है, क्या किए D से E डैश को मिलाया, ठीक है ना। देखिए ध्यान से D से E डैश को मिलाया, यही रचना था। अब देखिए तो उत्पत्ति क्या होगा, जब इसको मिला देंगे तो उत्पत्ति हो जाएगा कि डी ई डैश समांतर हो जाएगा बी सी के, और ये है नहीं हमको मान के चलना है कि माना डी ई डैश, डी ई डैश ये रचना वाला समांतर है ये बी सी के, ठीक है, ये आपका उत्पत्ति था। यहां तक कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं, अब आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से देखना बच्चों बहुत आसान है, त्रिभुज ए बी सी में देखिए ध्यान से क्या है, से डी ई डैश समांतर है ये बी सी के, ऊपर देखिए हमने माना है डी ई डैश समांतर है बी सी के, तो आपको पता है
यहां पे आपको थेल्स लगेगा, क्या लगेगा? थेल्स प्रमेय। यदि आपको थेल्स प्रमेय सिद्ध करना नहीं आता है या फिर इस क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थेल्स प्रमेय को समझना पड़ेगा। यदि आप नहीं देखे हैं या सिद्ध करना नहीं आता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, वहां से भी आप थेल्स प्रमेय देख सकते हैं। चलिए मैं फिलहाल बताता हूं कि थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं क्या हो जाती है? समानुपाती यानी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसमें क्या है? त्रिभुज एबीसी में यह समांतर है, डीई डैश बीसी के समांतर है। इसका मतलब होगा कि अन्य दो भुजाएं समानुपाती हो जाएगा। क्या होगा? देखिए ऐसे होगा, ए डी, ध्यान से देखिएगा, ए डी बटे में हो जाएगा डी बी। बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये बराबर हो जाएगा। इधर से देखिए ए ई डैश, क्योंकि हम डी ई डैश की बात कर रहे हैं तो ए ई डैश और बटे में हो जाएगा ई डैश सी, ई डैश सी। इसमें ई नहीं लेना है क्योंकि हम लोग ले रहे हैं डी ई डैश और बी सी को समांतर ले रहे हैं। तो ये होगा कि नहीं? ये कैसे होगा? तो आपको ब्रैकेट में लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय से। क्योंकि जब आपका रेखा समांतर है तो भुजा हो जाएगा समानुपाती, थेल्स प्रमेय से। और इसको मान लीजिए समीकरण दो, कोई डाउट नहीं? अब देखिए ध्यान से, समीकरण एक और समीकरण दो का एक पार्ट जो है एलएचएस वह बराबर है। देखिए एलएचएस इसमें कितना है? ए डी बाई डी बी, और समीकरण दो में देखिए ए डी बाई डी बी, यानी ये दोनों क्या है? बराबर है। तो आपको पता है जब भी इक्वेशन के अगर एक पार्ट बराबर हो तो दूसरा पार्ट भी बराबर हो जाता है। इसका मतलब ए ई बाई ई सी बराबर हो जाएगा ए ई डैश बाई ई डैश सी के। तो लिखेंगे समीकरण एक व दूसरे, समीकरण एक व दूसरे। अब देखिए समीकरण एक दूसरे इसको बराबर कर दीजिए, इसमें दिखाई दे रहा है ना, देखिए इधर, तो लिखेंगे ए ई बाई ई सी, ये बराबर हो जाएगा इसके ए ई डैश बाई ई डैश सी के। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर, कोई डाउट नहीं? अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब हुआ कि ए ई बराबर है ए ई डैश के और ई सी बराबर है ई डैश सी के, ये दोनों बराबर है। चलिए आपको समझ में नहीं आया, हम करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, नीचे दिख रहा, चलिए तो लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यानी एलएचएस और आरएचएस आपको पता है समान संख्या आप दोनों तरफ जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, तो जोड़ दोनों तरफ जोड़ रहे हैं। चलिए आप इधर कर देते हैं, इधर करते हैं, तो यहां हो जाएगा ए ई बाई ई सी प्लस का वन, और इधर भी कर देंगे ए ई डैश प्लस ई डैश सी और प्लस वन, दोनों तरफ एक जोड़ दिए। अब इसको आराम से सिंप्लीफाई कीजिए, या इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ई सी, और ये तो एडिटिव रह जाएगा ए ई, अब प्लस में इसको वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ई सी बराबर। इधर देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ई डैश सी, और ये तो एडिटिव रह जाएगा ए ई डैश, और ये प्लस हो जाएगा ई डैश सी, कोई डाउट? अब देखिए ध्यान से, ए ई प्लस ई सी, इधर देखिए ए ई, ये वाला देखिए ए ई, अब प्लस में है ई सी, तो ए ई और ई सी को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पर लिखेंगे या ए सी और बटा में वही रह जाएगा ई सी बराबर। देखिए इधर ए ई डैश, देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, फिर ए ई डैश और ई डैश सी को जोड़ेंगे तो फिर से आ जाएगा ए सी, तो यहां पर भी लिख देंगे ए सी और बटे में हो जाएगा ई डैश सी। अब देखिए ये ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, हो गया ना। चलिए अब इधर लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, इधर देखिए इधर क्या बच गया? एक, ठीक है ना, या एक मिनट ऐसे लिख लीजिए, या वन बटे क्या हो जाएगा ई सी
और इधर भी हो जाएगा वन बटे ई डैश सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कैचिया गुना, तो देखिए एक्स इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, या लिख दीजिए इसीलिए, इसीलिए हो जाएगा ई सी बराबर हो जाएगा ई डैश सी। यही बात हम यहां पर बताए थे कि ए ई बराबर होगा ए ई डैश के और ई सी बराबर होगा ई डैश सी के। देखिए यही पर आ गया ना, ई सी और बराबर हो गया ई सी डैश के। अब देखिए ध्यान से कि भाई ए ई, देखिए यही पे टर्निंग पॉइंट है, ए ई सॉरी सॉरी नीचे वाला पार्ट को समझाना है, यहां से ई सी, देखिए ई सी और ई डैश सी, भाई दोनों बराबर कैसे हो सकता है, ई सी और ई डैश सी दोनों हो रहा है बराबर, इसका मतलब है या दोनों तभी बराबर हो सकता है जब दोनों एक ही बिंदु पर हो, जब दोनों एक ही जगह पर होगा तभी ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब हुआ चूंकि आपका जो है ये इस, ये तभी होगा जब डी ई या डी ई डैश एवं डी ई संपाती है, क्या संपाती है, यानी जित जो है डी ई वही है डी ई डैश, दोनों अलग नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर हो रहा है, तो दोनों बराबर इसका मतलब दोनों क्या है संपाती है, एक ही रेखा है, तो जब दोनों एक ही रेखा है तो यहां देखिए आप ध्यान से, हमने यहां पे माना था कि डी ई डैश समांतर है बी सी के, और जब डी ई डैश और डी ई एक ही रेखा है इसका मतलब है कि डी ई भी समांतर होगा किसके बी सी के, और यही प्रूव्ड हो गया। अतः लिख देंगे हम डी ई समांतर बी सी, यह प्रूव्ड हो गया। कैसे प्रूव्ड हो गया, क्योंकि डी ई डैश और डी ई दोनों एक ही है, और डी ई डैश जब समांतर है बी सी के तो डी ई भी समांतर होगा बी सी के, ये आराम से प्रूव्ड हो गया।